रूस यूक्रेन वॉर छिड़ने से पहले तक भारत रूस के बीच कारोबारी संबंधों में कच्चे तेल का कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन यूक्रेन से युद्ध छिड़ने के बाद रूसी कच्चे तेल ने क्रूड मार्केट को बदल कर रख दिया। इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया भारत ने। आज रूसी तेल रूस और भारत के बीच व्यापार संबंधों में सबसे टॉप पर है। हाल ही में अपनी रूसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया कि जब दुनिया तेल संकट से जूझ रही थी, तब रूस ने भारत की विशाल आबादी को ईंधन उपलब्ध कराने में मदद की। लेकिन रूस से मिले सस्ते कच्चे तेल का सबसे ज्यादा फायदा देश की सरकारी और निजी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को हुआ है। खबर है कि रूस से सस्ता तेल आयात करके भारतीय ऑयल रिफाइनरी कंपनियों ने अरबों बचाए हैं। यानी सरकारी और प्राइवेट तेल कंपनियों ने अपनी जेबें तो भर ली, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बड़ी कटौती नहीं की। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि तेल कंपनियों ने साल 2022 से अब तक कितने अरब रुपए बचाए हैं, इस बीच पेट्रोल और डीजल के दाम कितने घटे। एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या तेल कंपनियों के पास ईंधन की कीमतों में कटौती की गुंजाइश है या नहीं। आखिर तेल कंपनियों ने ईंधन के दामों में बड़ी कटौती क्यों नहीं की। इसके साथ ही जानेंगे कि सरकार को करोड़ों रुपए बतौर डिविडेंड चुकाने वाली इन कंपनियों ने आखिर पेट्रोल और डीजल सस्ता क्यों नहीं किया, या ये ऐसा क्यों नहीं कर रही। ये भी जानेंगे कि भारत रूस से कितना तेल खरीदता है, और इस सब के अलावा ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने डिजिटल पेमेंट में विस्तार करने के लिए कौन सा नया कदम उठाया है और कंपनी की ये पूरी योजना क्या है, ये भी समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद भारत की ऑयल रिफाइनरी ने सस्ते कीमत पर रूसी कच्चा तेल खरीदकर अरबों रुपए बचा लिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में यह जानकारी दी गई। एक्सप्रेस की खबर में भारत के आधिकारिक व्यापार डेटा के विश्लेषण के हवाले से कहा गया कि अप्रैल 2022 और मई 2024 के बीच भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने कम से कम 10.5 अरब डॉलर, अगर इसको भारतीय रुपयों में बात करें तो करीब 88,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत की है। रूस ने जब यूक्रेन पर फरवरी 2022 में हमला किया था, उसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस से कच्चे तेल खरीदना बंद कर दिया था। मजबूरन रूस ने अपने कच्चे तेल पर भारी डिस्काउंट देने की घोषणा की थी। इस आपदा को अवसर में बदलते हुए भारत ने बड़ी मात्रा में रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया था। कुछ साल पहले तक भारत रूस से नाम मात्र का तेल खरीदता था, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के बाद भारत ने अचानक से काफी ज्यादा मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया, जो आज भी जारी है। हालांकि भारत की तरफ से रूस से तेल खरीदने का पश्चिमी देशों ने काफी विरोध किया, उसकी आलोचना की और आरोप लगाया कि रूस से तेल खरीदने से उसे, यानी कि रूस को, भारत फायदा पहुंचा रहा है और इस पैसे से रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। लेकिन भारत इस बात पर जोर देता रहा कि वो पूरी तरह से कच्चे तेल के आयात पर दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत का तर्क था कि वो करीब अपनी जरूरत का 85% तेल विदेश से खरीदता है। कच्चे तेल की खपत के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसी के मद्देनजर सरकार अपनी ईंधन की जरूरतों के लिए किसी दबाव को मानने वाली नहीं है। इसके साथ ही भारत सरकार ने बार बार कहा है कि भारतीय रिफाइनरी ने वैश्विक तेल बाजार को संतुलित करने और ज्यादा तादाद में रूसी तेल खरीदकर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद की है। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय यानी DGCIS के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के तेल आयात का कुल मूल्य 139.86 अरब डॉलर, अगर भारतीय रुपए में बात करें तो 11,69,000 करोड़ रुपए था। विश्लेषण से पता चलता है कि अगर भारतीय रिफाइनरी रूसी तेल के लिए अन्य सभी सप्लायर्स से कच्चे तेल के लिए भुगतान की गई औसत प्रति बैरल कीमत का भुगतान करते तो भारत का तेल आयात बिल 12,10,000 करोड़ रुपए होता, यानी करीब 46,000 करोड़ रुपए ज्यादा। इसी तरह वित्त वर्ष 22-23 के लिए जबकि भारत का कुल तेल आयात बिल केवल 13,55,000 करोड़ रुपए था, ये बिल भी करीब 40,500 करोड़ से ज्यादा होता। अगर रूसी तेल की औसत कीमत अन्य सभी आपूर्तिकर्ताओं से तेल की औसत कीमत के समान होती और इस साल अप्रैल और मई के आंकड़ों को जोड़ दें तो इस तरह से देखें तो भारत की तेल कंपनियों ने मोटा मोटी 88,000 करोड़ रुपए की बचत की है। ये बचत काफी बड़ी है। ये बचत सरकारी और निजी क्षेत्र की 5 भारतीय रिफाइनिंग कंपनियां, मसलन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और नायरा एनर्जी और उनकी सहयोगी कंपनियों से हुई। इतना ही नहीं, रूस द्वारा भारतीय रिफाइनरी को दी गई छूट के चलते इराक जैसे कुछ अन्य प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं को भी
छूट देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे भी भारतीय रिफाइनरीज को कच्चे तेल की लागत पर अधिक बचत करने में मदद मिली। हालांकि भले ही रूस और अन्य देशों से भारत तेल कंपनियों को सस्ते दामों पर कच्चा तेल मिला, लेकिन इसका कुछ खास फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाया, क्योंकि इन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बड़ी कटौती नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन भारत में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आखिरी बार इस साल मार्च में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी थी। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि आखिर तेल कंपनियों ने अरबों की बचत करने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती क्यों नहीं की। देखिए, इसके दो पहलू हैं। मुझे लगता है तेल के मामले में पेट्रोल डीजल, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप सोचते हैं आपको सस्ता क्यों नहीं मिलता। इसके दो पहलू, एक पहलू तो यही है कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ा, तेल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ गई, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गई, तो रशिया ने भारत को सस्ते दाम पे तेल बेचा। और जिनको ये नहीं मालूम है कि कितना सस्ता मिला, अलग अलग समय पे डिस्काउंट अलग अलग था। मेरे अनुमान के हिसाब से $5 से लेके करीब करीब $18-20 तक ये डिस्काउंट गया है। अलग अलग समय पे अलग अलग डिस्काउंट था, जैसे हालात होते थे उस हिसाब से था। अब सवाल ये है कि ये दो तरीके से फायदा हुआ। पहला, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि 85% हमारे देश की जरूरत तेल की आयात से पूरी होती है, तो पहला तो फॉरेन एक्सचेंज देश का बचा, कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो कि बहुमूल्य है। दूसरा, जो रिफाइनर्स हैं जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हम सब जानते हैं ये तीनों सरकारी क्षेत्र की ऑयल रिफाइनर्स हैं, कुछ निजी क्षेत्र के भी हैं, रिलायंस भी बहुत सारा सामान मंगाता है तो तेल के क्षेत्र में। तो अब ये जो पैसा बचता रहा, एक तो लोगों को पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल डीजल सस्ता होता नहीं दिखा। इसका दूसरा पहलू एक और है जो इससे जुड़ा हुआ है, वो ये है कि सरकार ने जब टैक्स इसमें एडिशनल लगाया, ये मैं कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ, उसका भी फायदा जो था वो लोगों को नहीं मिला। उस पर एक्साइज ड्यूटी काटी गई, बढ़ाई गई, सब को हम जानते हैं। पहले मुझे याद है हम लल्लन टॉप पे इस पे बात भी कर चुके हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ तेल के मामले में सौतेला व्यवहार हुआ है, आप तो फायदा लेते रहे हमें नहीं आया। तो ऑयल रिफाइनर्स का कहना इसमें यह है कि साहब, हमारा ऑयल रिफाइनरी की एक बैरल को रिफाइन करने में जो ऑयल रिफाइनर की कॉस्ट आती है वो लगभग 3 से 5 बैरल की आती है। उनका कहना यह था कि हमें जो रिफाइनिंग में घाटा होता रहा पहले, और हम तेल को, ऐसा भी समय आया जब तेल हम महंगा ले रहे थे, पर जो पेट्रोल पंप पे आपको डीजल पेट्रोल की प्राइस दिखती थी वो कम थी, ऐसा उनका कहना है। तो वो जो घाटा हम सहते रहे, उस घाटे को हमने पूरा किया। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल तेल आयात में रूसी कच्चे तेल का हिस्सा करीब 36% रहा है, मात्रा के हिसाब से 1.70 अरब बैरल। वित्त वर्ष 2025 के पहले दो महीने यानी अप्रैल और मई में भी रूसी तेल ने इसी तरह का बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखी। वित्त वर्ष 2023 में रूसी तेल की बाजार हिस्सेदारी 21.5% थी। भारतीय रिफाइनर ने इराक और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक देशों के मुकाबले रूस से ज्यादा तेल खरीदा है। इसके साथ रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत बाजार बन गया। सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय रिफाइनर द्वारा आयात रूसी कच्चे तेल की औसत कीमत $76.39 प्रति बैरल थी, जबकि अन्य सभी आपूर्तिकर्ताओं से आयात तेल की औसत कीमत $85.32 थी। वित्त वर्ष 2023 में रूसी कच्चे तेल की औसत कीमत $83.24 प्रति बैरल थी, जबकि अन्य सभी आपूर्तिकर्ताओं की कीमत $96.31 प्रति बैरल थी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 को कच्चे तेल उत्पादकों और पेट्रोल डीजल एयर टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के निर्यात पर टैक्स लगाना शुरू किया था, ताकि उन निजी रिफाइनरी को नियंत्रित किया जा सके जो फायदा कमाने के लिए भारत में ईंधन बेचने के बजाय विदेशों में ईंधन बेचना चाहते थे। पिछले हफ्ते सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर विटफॉल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया। 2 जुलाई से कच्चे पेट्रोलियम पर विटफॉल टैक्स को 3,250 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति टन कर दिया गया। विटफॉल टैक्स से सरकार ने अच्छी खासी कमाई की है। ये टैक्स तेल कंपनियों पर लगाया जाता है जो दूसरे देशों से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए उन्होंने क्या बताया। सरकार ने इन ऑयल कंपनीज को कहा था कि आपको हम जो ऑयल की प्राइसिंग है वो फ्री मार्केट पर है। फ्री मार्केट का मतलब होता है कि जैसा जैसा क्रूड का प्राइस होगा वैसे वैसे हम लोगों से चार्ज करेंगे। आपको याद होगा पीछे पेट्रोल की प्राइस रोज घटती बढ़ती थी, 10 पैसे 15 पैसे, ऊपर नीचे। पर जब इलेक्शन आते थे तो ये फ्री प्राइसिंग कहीं हवा हवा हो जाती थी। तो भाई इलेक्शन के टाइम ये फ्री प्राइसिंग कहां चली गई,
तो इससे ये साफ साफ सिद्ध होता था कि भले ही ऑयल कंपनी कहती रहे कि हम फ्री मार्केटिंग कर रहे हैं या फ्री प्राइसिंग कर रहे हैं, पर इनको कहीं ना कहीं ऊपर से निर्देश आता था कि भैया अब प्राइस बढ़ानी रोक दो, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, कहीं ये वोटों में दिक्कत ना आ जाए। तो ये बात तो मुझे लग रहा है सब लोगों को पता, अब समझ में आ गया था ये सारा का सारा खेल। तो इन ऑयल रिफाइनर्स ने अगर ये चाहते, अगर ये सरकार को डिविडेंड दे सकते हैं, तो लोगों को फायदा पहुंचाना भी उतना ही जरूरी था जितना जरूरी सरकार को डिविडेंड देना था। अब चलते हैं एक और जरूरी खबर की तरफ। ऑनलाइन शॉपिंग में पैर जमाने के बाद अब फ्लिपकार्ट ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में भी कदम बढ़ा लिया है। कंपनी ने डिजिटल पेमेंट में विस्तार करते हुए डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी बिल्डेस के साथ हाथ मिलाया। इस साझेदारी के बाद फ्लिपकार्ट ऐप में 5 नई कैटेगरी को भी शामिल किया गया है। इसके जरिए फ्लिपकार्ट ऐप पर फास्टैग रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और मोबाइल पोस्टपेड बिल का भुगतान कर सकेंगे। बिल्डेस भारत की प्रमुख पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है जो भारत में बिल पेमेंट सिस्टम के साथ मिलकर नई सर्विस ला रही है। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है। अभी नए यूजर्स के लिए स्कीम भी लाई गई है और यूजर्स इसका इस्तेमाल करके 10% तक की छूट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फ्लिपकार्ट यूपीआई का इस्तेमाल करना होगा। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने। आप दोनों ही खबरों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा राय जरूर बता दीजिएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।